तो अब ये काम क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा इसने स्लाइटली चेंज किया है इसको, कह रहा है कि इफ और एल्स का इस्तेमाल करें, असाइन करें डेट असाइन 0 टू एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 10, जब वाई की वैल्यू 10 हो तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, अदरवाइज एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 1, सिर्फ जब वाई की वैल्यू 10 हो तो इसकी वैल्यू 0 हो, अदरवाइज एक्स की वैल्यू 1 हो। अब इसी प्रोग्राम को स्लाइटली चेंज के साथ मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ, इसको न्यू कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, प्रोग्राम सेव कर रहा हूँ और उसका नाम मैं रख रहा हूँ अपने प्रोग्राम का, चैप्टर क्या रखा था उसका नाम, चैप्टर फॉर इफ एल्स कंडीशन प्रॉब्लम 32। ओके, अब यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 0 है, इनपुट हमें वाई की ही लेना है, चेक करना है वाई को, लेकिन यहाँ पर जब ये करना है कि जब वाई की वैल्यू 10 हो तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, असाइन 0 ना, और अगर वैल्यू 10 ना हो तो उस सूरत में एल्स लगाना है और उसके अंदर हमें क्या कर देना है, एक्स की वैल्यू को बाकी आउटपुट, सेव किया प्रोग्राम को, रन किया। अब देखिए, अब वाई की वैल्यू मैं कितनी डाल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और जब मैं वाई की वैल्यू डाल दूंगा 10 तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये प्रोग्राम भी आपने सॉल्व कर लिया। फर्क क्या था उसमें, सिर्फ इफ कंडीशन का इस्तेमाल था, इफ में इफ के साथ एल्स का भी इस्तेमाल है, ठीक है। और उसके बाद अब है ये तीसरा प्रोग्राम जो आपने करने की कोशिश करनी है, ठीक है।